साल 2020 सबसे बड़ी खबर यकीनन कोरोना वायरस महामारी रही। कोरोना से जुड़े बढ़ते घटते आंकड़ों पर सबकी नजरें टिकी रही, लेकिन कई और आंकड़े हैं जिनके बारे में जानना और आकलन करना जरूरी है। NFHS 2019-20 के डेटा ने भारत में महिलाओं की स्थिति की तस्वीर पेश की। ये आंकड़े पिछले 5 सालों 2015 से लेकर 19 का रिकॉर्ड है। NFHS के इन आंकड़ों के ट्रेंड से कुछ राज्यों की डार्क पिक्चर दिखाई पड़ती है। मैं 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-20 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के उन डेटा की बात कर रही हूँ जिनसे हमें फिक्र होनी चाहिए। ये महिलाओं से जुड़े वो मुद्दे हैं जिन पर पीछे खिसकने का रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि देश में उनकी स्थिति क्या है इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 7 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां 25% से ज्यादा महिलाएं पति द्वारा हिंसा की शिकार हुई। 8 ऐसे राज्य यूटी हैं जहां सेक्स रेशियो में कमी आई, और 9 राज्यों में वैसी महिलाओं की संख्या बढ़ी जिन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इन आंकड़ों में सभी राज्य कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान के आंकड़े शामिल नहीं हैं, लेकिन सर्वे ने सतर्क जरूर कर दिया है कि आगे क्या किए जाने की जरूरत है, क्योंकि महामारियां महिलाओं पर अलग तरह की मुसीबतें लेकर आती हैं। वो राज्य जहां पति द्वारा हिंसा की शिकार हुई महिलाओं की संख्या 25% से ज्यादा है उनमें कर्नाटक, बिहार, मणिपुर, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कर्नाटक के आंकड़े तो ये कहते हैं कि वहां औसतन एवरेज हर दूसरी महिला घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। पिछले सर्वे की तुलना में वहां ये परसेंटेज 2 गुनी से भी ज्यादा है। बिहार में कमी दर्ज की गई, लेकिन मैं तो कम से कम इसका जश्न नहीं मना सकती, क्योंकि ये आंकड़ा घटने के बावजूद 40% है। अब बात करते हैं उन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की जहां सेक्स रेशियो में गिरावट दर्ज की गई। इस मामले में गोवा, हिमाचल प्रदेश ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय में भी कमी आई। सबसे अप्रत्याशित कमी केरल में हुई है जहां 2015-16 के सर्वे यानी पिछले सर्वे के मुताबिक राज्य में 1000 मेल के मुकाबले 1047 फीमेल थी। पिछले 5 सालों में ये आंकड़ा घटकर 951 रह गया है। असम, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वो 9 राज्य और यूटीज हैं जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की शिकार हुई महिलाओं की संख्या में बढ़त दर्ज की गई है। अच्छी बात ये है कि अब हम इन संख्याओं को रिपोर्ट कर पा रहे हैं, वरना इसे लेकर महिलाओं का मुखर होना आसान नहीं रहा है। तो क्या महिलाओं के हित में कुछ बेहतर नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। ओवरऑल संख्या की बात करें तो देश में महिलाओं पर पति द्वारा की जाने वाली हिंसा में कमी देखी गई है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीनिक प्रोटेक्शन अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ पीरियड्स पॉवर्टी बरकरार है, जबकि स्कॉटलैंड में तो इसी साल ये कानून आ गया है कि सभी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स फ्री में दी जाएगी। वहीं देश में उन महिलाओं की संख्या में 50% से ज़्यादा बढ़त हुई है जो खुद अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करती हैं। और हाँ, हमारे देश में इसे हम उपलब्धि मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2020 में जारी हुई रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं का फाइनेंशियल मामलों से जुड़ना सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैंने आपको डिक्लाइन हो रहे आंकड़े पहले बताए, क्योंकि फिलहाल महिलाओं के लिए जितना हमने अचीव किया है उससे बहुत ज्यादा किए जाने की जरूरत है। कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन ने हमारी अचीवमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया है वो NHFS की इस सर्वे में शामिल नहीं है। बड़े और खुशगवार आंकड़ों के पीछे जरूरी सवाल और चिंता नहीं छिपनी चाहिए।